नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक और आप देख रहे हैं न्यूज 44 बिहार। शिक्षा विभाग में भारी लापरवाही है। फर्जी टीचर नौकरी कर रहे हैं और हजारों युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड में आधा दर्जन फर्जी टीचर नौकरी कर रहे हैं और हजारों युवा नौकरी करने का इंतजार कर रहे हैं। बीजों के बड़हरिया प्रखंड क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन शिक्षक फर्जी तरीके से शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं। या तो उनका स्कूल का पता नहीं है या उनके जो डिग्री है वो बनवाई गई है। इसी तरह से बड़हरिया प्रखंड क्षेत्र में लगभग आधा दर्जन अनट्रेन टीचर हैं और प्रशिक्षित शिक्षक हैं जिनको अधिकारियों के मिलीभगत से नौकरी कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रभात खबर जैसे अखबारों में बहुत विस्तार से यह दिया हुआ था कि सिवान जिला में 35 फर्जी टीचर पाए गए हैं जिनकी डिग्रियां जांच कर ली गई हैं, लेकिन अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। आइए सुनाते हैं इस संबंध में बड़हरिया प्रखंड के उप प्रमुख प्रतिनिधि सत्येंद्र शाह क्या कर रहे हैं। रूप से पता किए तो पता चला कि आधा दर्जन शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे हैं, जबकि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से भी बोला गया है जी, और जिला पदाधिकारी से, शिक्षा जिला पदाधिकारी से भी बोला गया है, जानकारी में है उन लोगों को। लेकिन बड़हरिया के जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के मिली भगत से इन लोगों का पेमेंट किया जा रहा है और जांच नहीं किया जा रहा है। उनको सर्टिफिकेट का जांच करना चाहिए चाहिए। अभी लगभग आधा दर्जन ऐसे भी शिक्षक हैं जो अनट्रेंड हैं और उनको पदमुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो अपने स्कूलों में योगदान दे रहे हैं। हाँ, ये भी जानकारी है कि अनट्रेंड का है और ट्रेंड का पैसा उठा रहे हैं, पेमेंट उठा रहे हैं। ऐसे भी कुछ शिक्षक हैं, उसका चार वो शिक्षक की जानकारी है। आपने इस संबंध में बीओ साहब से बात किए हुए हैं, शिव शंकर झा से? कहे हैं, मौखिक रूप से कहे हैं उनसे, ऐसा ऐसा बात है, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। वो थोड़ा सा वो अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं, उनका नाम भी उनको दिया गया था, नंदकिशोर यादव उत्क्रमित मध्य विद्यालय लक्ष्मीपुर जी। सीमा पांडे उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोरीगावा, ओम प्रकाश पांडे प्राथमिक विद्यालय हरदिया, उकमा नाथ पांडे नया प्राथमिक विद्यालय पजुरखिया टोला, सुजीत शाह प्राथमिक विद्यालय शामपुर, प्रदीप शर्मा प्राथमिक विद्यालय नरहरपुर एस सी टोला, ये 106 शिक्षक जो है ये फर्जी सर्टिफिकेट पर, उत्तर प्रदेश के सर्टिफिकेट पर बनवा कर नौकरी कर रहे हैं। ये पेपर में इनका सर्टिफिकेट जांच होना चाहिए, जांच करके और इन शिक्षक को जांच के बाद से ही ये पेपर में प्रकाशित हुआ था, उसके बाद से भी स्थानीय अधिकारियों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब जनप्रतिनिधियों से आम जनता क्या उम्मीद करेगी? नहीं, कार्रवाई तो होना चाहिए। अगर जन पदाधिकारी लोग जांच करके संतुष्ट हैं तो उसमें तो कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि फर्जी शिक्षक है तो क्या पढ़ाएंगे, फर्जी शिक्षक मिल रहा है। अभी बड़हरिया प्रखंड क्षेत्र में हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रेंड भी हैं, योग्य भी हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है और फर्जी लोग उसमें ढूंढ कर पैसा कमा रहे हैं और पढ़ाते क्या है ये तो अलग की बात है, लेकिन फर्जी तरीके से घुस गए हैं। जो इसके लिए कई वर्षों से तैयारी कर रहा है वो अभी भी बाहर बैठा है, इस संबंध में क्या कहिएगा? देखिए, ये तो बात सही है कि फर्जी तरीके से जो जिससे सर्टिफिकेट फर्जी बनवा लिया जाएगा तो कितनों नंबर का उनका नौकरी हो गया जी, और जो पढ़ा लिखा आदमी है उनका परसेंटेज कम है। बनवाया जाएगा तो सर्टिफिकेट
कितना और डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन ओरिजिनल पढ़े लिखे आदमी है उनका तो मार्क्स सही है तो इसलिए कम है, उनका नौकरी नहीं हो पाया। लेकिन तो विभाग की गलती है इसको लेकर। फिर आप आगे जो अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, उनसे आप इस संबंध में बात करेंगे? उनसे भी हम अपना इस समस्या को उठाएंगे कि सब गलती गलत हुआ है, इसका जांच हो करके जांच करके इसको मना रद्द किया जाए और फिर से नया जो भी टीचर को बहाल किया जाए ताकि लड़कों को बच्चों को भविष्य उज्जवल हो। जी आपका परिचय सर? मैं उप प्रमुख प्रतिनिधि सत्येंद्र कुमार शाह बलरिया प्रखंड। धन्यवाद सर, नमस्कार। सिवान जिला में कुल 35 फर्जी टीचर काम कर रहे हैं, जिसमें बलरिया के भी लगभग आधा दर्जन फर्जी टीचर हैं। अच्छा, तो सर फर्जी को जानने के लिए तो जिला सीबीआई या उसके लिए जिला से ही ना आप लोगों को मालूम हुआ होगा? सर पेपरों में दिया हुआ है तो आखिर जिला से या राज्य से जांच के बाद ही हुआ है? सुनिए, जहाँ तक ये फर्जी की बात है इसके लिए वो पूर्व की बातें जांच हो गई है, जांच चल रही है। हमको अगर कहीं से आता है कि फर्जी है तो सचिव काम करेगा उस पर, आपको जानकारी है तो आप हमको बताइएगा। ये पेपरों में नाम के साथ और स्कूल के साथ भी आया हुआ था कि कौन कौन से लोग कहाँ किस किस स्कूल में योगदान दे रहे हैं। योगदान दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं सर ये? अच्छा, ये 21-19 का कि नई वाली में से? नहीं, पुराने वाले में से, ये नियोजित टीचर ही हैं। नियोजित टीचर जो पुराने होंगे तो उनका तो फोल्डर जमा है, सीबीआई का जांच चल रहा है, सभी लोगों ने अपना ऐप पर डाउन किया, उसकी जांच तो राज्य से हो रही है। उसमें तो बीओ लेवल का कोई काम नहीं है, आप लोगों को जानकारी है तो बताइए हमको। सर ये आपको जानकारी नहीं है कि सिवान जिला में 35 फर्जी हैं जिसमें बढ़रिया के साथ लगभग फर्जी हैं? हमको ऑथेंटिक आने के बाद ही हम जानकारी दे सकते हैं किसी को, कोई लिखित जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं है। ओके सर। हाँ इसलिए ऑथेंटिक जानकारी। हाँ बोलिए। और सर बढ़रिया प्रखंड में कितने अनट्रेंड टीचर सर अभी पढ़ा रहे हैं? अनट्रेंड का तो 2-3 था, उसका बंद है वेतन, पढ़ा नहीं रहे, बंद वेतन है, उसकी कार्रवाई चल रही है जिला से। जी पदमुक्ति की कार्रवाई होगी? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, नमस्कार सर।